हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग गैविन मैक्सवेल की लिखी हुई कहानी मिसबिल द ऑटर, ऑटर यानी उदबिलाव। उदबिलाव आपने देखा होगा, तो मिसबिल उस उदबिलाव का नाम, उस ऑटर का नाम मिसबिल है और इसके लेखक हैं गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल was born on 15 July 1914 and he has passed away on 7 September 1969. Was a Scottish naturalist या naturalist कहिए। तो ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, चाइना के लोगों को चाइनीज कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहते हैं, जापान के लोगों को जापानीज कहते हैं, उसी तरह से स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं। तो ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, प्रकृतिवादी थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क विथ ऑटर्स। इन्होंने ऑटर्स को लेके, उदबिलाओं को लेकर के काफ़ी सारे काम किए थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने उसको लेकर के कार्य किए थे। मैक्सवेल वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए स्मॉल विलेज नियर पोर्ट विलियम इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक छोटा सा गांव है पोर्ट विलियम्स के पास, और 1969 में ये पास अवे हो गए, इनका देहांत हो गया बिकॉज ऑफ कैंसर, इनको कैंसर हो गया। इस स्टोरी को पढ़ने के पहले आप इस बात को जान जाइए कि गैविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्प्यूसफेरेना इन वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में रहते थे, जहां पे इनके साथ इनका जो डॉग था, उस डॉग का नाम था जॉनी, उसका भी देहांत हो गया। इससे मैक्सवेल बहुत उदास हो गए, बहुत सैड हो गए, और उन्होंने फैसला किया कि दोबारा से अब मैं कोई और कुत्ता या डॉग नहीं पालूंगा। लेकिन बिना पालतू पशु के इनका जीवन अधूरा था, यानी इनको कोई न कोई पालतू पशु चाहिए था जो इनके पास रहे। तो इस तरह से इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इनके पास डॉग था, उसका नाम जॉनी था, जॉनी वॉज पास्ड अवे, सो ही वॉज लोनली एलोन, सो ही डिसाइडेड टू गेट ए पेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला पैराग्राफ देखिए। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड इन सदर्न इराक। तो 1956 में, उसके स्टार्टिंग में, ये इराक में, इराक एक देश है वेस्ट एशिया में, आपको मालूम है इराक की राजधानी बगदाद है, वहां पे ये ट्रेवलिंग पे गए, यात्रा पे गए। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन अदर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। इराक में जाने पे इनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं एक ऑटर को पालूं, एक उदबिलाव को पालूं, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा बजाय एक डॉग के पालने के, यानी डॉग ना पाला जाए, उदबिलाव पाला जाए, ऑटर पाला जाए। इनके दिमाग में ये ख्याल आ गया जब ये सदर्न इराक के यात्रा पे गए। मैंने इस पूरे लेसन को ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आइए मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपने बुक में देखते रहिए, लाइन बाय लाइन आप बुक में देखिए, बुक को अपने सामने रख करके इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप सुने समझें। 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने, यानी लेखक ने, मैक्सवेल ने दक्षिणी इराक की यात्रा की। उस समय तक मेरे मन में यानी लेखक के मन में, जिसने राइट किया है, जिसने लिखा है, राइटर गैविन मैक्सवेल ने, उसके मन में विचार आया कि मैं एक कुत्ते की बजाय एक उदबिलाव ऑटर रखना चाहूंगा। और जहां पे वो गए थे,
कैमुस फिरियना, जिसकी थोड़ी सी दूरी पर ही चारों ओर पानी है, इस प्रयोग के लिए सबसे श्रेष्ठ और सही स्थान वही होगा, क्योंकि ऑटर पानी में भी रहते हैं, आपको मालूम है। जब लेखक ने इसके बारे में साधारण तौर पर अपने दोस्तों से जिक्र किया, तो उसने उतनी ही साधारण तरह से उत्तर दिया, ठीक है, टिग्रिस के दलदलों में मिल जाएगा, उदबिलाव या ऑटर स्वैम्पी लैंड में, दलदली भूमि में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां जाओ ले लो, क्योंकि वहां पर जैसे मच्छर और जगह हैं, स्वैम्पी लैंड में उदबिलाव या ऑटर तुमको बहुत आसानी से इराक में मिल जाएंगे। और तो बसरा के वाणिज्य दूतावास में, क्योंकि स्कॉटलैंड के थे और इनको इराक जाना था, इराक में गए, बसरा में जो वाणिज्य दूतावास था वहां पर गए, और यूरोप से आई चिट्ठियों को जवाब देने और उन्हें लेने जा रहे थे। वाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि मेरे दोस्त की डाक यानी चिट्ठी आ गई, लेकिन बेचारे लेखक की, मैक्सवेल की, नहीं आई। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड तार भेजा, चूंकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम, तो इन्होंने इंग्लैंड तार भेजा। उस समय मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन तो था नहीं, तो उस समय जो सबसे इंस्टेंट कम्युनिकेशन था, जो सबसे तेज कम्युनिकेशन था, वो था टेलीग्राम, या हिंदी में कहें तो तार। तो उन्होंने तार भेजा इंग्लैंड, और तीन दिन बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो लेखक ने टेलीफोन करने की कोशिश की। उस समय टेलीफोन ट्रंक कॉल होता था, 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी, आजकल की तरह मोबाइल तो था नहीं कि तुरंत कॉल हो जाती। इंग्लैंड ट्रंक कॉल होता था, 24 घंटे पहले बुकिंग होती थी, इसके बाद फोन होता था। और अक्सर आपको मालूम है उस समय लाइन, टेलीफोन की लाइन अक्सर खराब रहती थी, बहुत मुश्किल था बात करना पहले। और संजोग ऐसा कोई कोई फेस्टिवल था, कोई रिलीजियस फेस्टिवल था, धार्मिक त्यौहार था, उसके वजह से भी वहाँ बंद था। और इस तरह से लेखक ने एक हफ्ते का समय तय किया, इसके बाद 5 दिन के बाद उनकी चिट्ठी पहुँची। इसके बाद ये अपने बेडरूम में गए, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे और भी जो इराक में जो अरब के लोग थे वो भी उनके साथ बैठे, और उनके सामने एक बोरी रखा हुआ था, एक बोरा था, और बोरा हिल डुल रहा था, उसमें से हिलने की कुछ सुगबुगाहट आ रही थी, कुछ हिल रहा था बोरे में। तो उनका दोस्त बोला, यही है तुम्हारा ऑटर, इसी में है तुम्हारा उदबिलाव, देख लो। और बोरे को खोले, बोरे में से छोटा सा उदबिलाव निकला, ऑटर निकला। मैक्सवेल खुश हो गए कि जिस काम के लिए इराक में आए थे वो काम उनका इतनी आसानी से हो गया। और इसके बाद तो ऐसा समय स्टार्ट हुआ जो कभी समाप्त होने का नाम नहीं लिया। और लेखक समझता है कि ऑटर से उसको जो लगाव है, उससे कुछ अजीब तरह का उसमें लेखक को अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। अब लेखक ने फैसला किया कि अब इस उदबिलाव को स्कॉटलैंड ले जाना है। स्कॉटलैंड ले जाने के लिए लेखक लंदन जाने वाले ब्रिटिश विमान सेवा में से जाना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश विमान सेवा तो जानवरों को ले नहीं जाती थी, इसलिए लेखक ने दूसरी विमान सेवा से पेरिस की बुकिंग करवा ली, यानी इराक से पेरिस गए। इराक से लंदन जाने के बजाय इराक से पेरिस गए, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस में उस समय जानवरों को ले जाने की प्रथा नहीं थी विमान से, तो पेरिस गए। फिर वहां पेरिस से फिर लंदन गए उस अपने उदबिलाव को लेकर। उन्होंने मिच को एक डिब्बे में बंद किया, और इसके बाद
ऐसा डिब्बा नहीं था कि सांस न ले पाए, सांस वो ले सकता था, लेकिन इससे ऑटर को बहुत फील हुआ, वो बिलाव उस बक्स में नहीं रहना चाहता था, उससे खून बहने लगा, तो लेखक ने उसको उस बॉक्स से निकाल दिया, उस उद्बिलाव को, उस ऑटर को। इसके बाद लेखक ने कार पकड़ा, कार के पीछे उद्बिलाव को रखा और एयरपोर्ट की तरफ गए। एयरपोर्ट पे काफ़ी ये देर में पहुंचे तो एयरपोर्ट के अधिकारी काफ़ी इनके ऊपर नाराज हुए कि आप इतनी देर से क्यों आए। इन्होंने बहुत किसी तरह से एयरपोर्ट के अधिकारियों को मनाया कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी मेरे साथ, जो ऑटर है वो थोड़ा सा उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिलहाल किसी तरह से ये विमान में बैठे। विमान में बैठने के बाद जो उद्बुलाव है, जिसका नाम इन्होंने मिसबिल रखा है, प्यार से मिस कहते हैं, वो डिब्बे से बाहर आ गया। और जब डिब्बे से बाहर आ गया तो वो विमान के पीछे आगे होने लगा, तो जितने और सारे विमान में यात्री थे वो चिल्लाने लगे कि ये क्या है। वो डर गए, विमान के जो अन्य पैसेंजर्स थे वो डर गए और चिल्लाने लगे। किसी तरह से उन्होंने उस उद्बिलाव को प्यार से अपने पास रखा और स्थिति वहां पे थोड़ी कंट्रोल हुई। इसके बाद ये विमान के साथ पहुंचे, घर गए पेरिस के बाद, फिर लंदन की फ्लाइट लिए। लंदन चूंकि इराक से जो विमान था ब्रिटिश सेवा का, वो पशुओं के ले जाने के लिए नहीं था, इसलिए इराक से पेरिस गए, पेरिस से फिर लंदन गए, लंदन से फिर अपने घर पे उस ऑटर को लेके गए। लेखक लिखते हैं कि मिसबिल यानी उद्बुलाओ यानी ऑटर, जिसको मैं नाम से बुलाता था, वास्तव में एक ऐसी प्रजाति का था जो विज्ञान के लिए पहले से अनजानी थी। विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए पहले से अनजानी थी, ऐसा जो उद्बिलाव मैंने लेके गया था, और उसे लंबे समय बाद जीव वैज्ञानिकों ने नाम दिया मैक्सवेल ऑटर। यानी लेखक के नाम पर ही उस उद्बिलाव का नाम पड़ गया मैक्सवेल ऑटर, मैक्सवेल उद्बिलाव, क्योंकि जीव वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नई चीज थी, इसीलिए उस प्रजाति का नाम मैक्सवेल ऑटर रख दिया गया। पहले शुरुआती 24 घंटों में मिसबिल यानी वो जो उद्बुलाव का नाम है, ना तो विरोधी था और ना दोस्ताना। शुरुआती दिनों में जो उद्बुलाव था लेखक के प्रति, ना तो दुश्मनी थी ना दोस्ती थी, यानी खाना देता था तो खा लेता था, सो जाता था, कोई अट्रैक्शन नहीं था लेखक में और उस ऑटर में। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो वो फर्श पर सोना पसंद किया और इसके बाद पलंग पर आ गया, जिस पर लेखक लेटा था वहां पर आ गया वो, और लेखक के घुटने के मोड़ में तब तक सोता रहा जब तक सुबह केयरटेकर यानी सर्वेंट चाय लेकर नहीं आ गया। यानी थोड़ी थोड़ी निकटता लेखक की उस ऑटर से बनने लगी। इसके बाद लेखक ने उसके लिए पट्टा बनवा दिया और घर में बाथरूम में एक तांबे के बर्तन तक ले गया, जहां आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागलों की तरह गोता खाते रहा और लुढ़कता रहा। यानी उस ऑटर को पानी में भीगना, पानी में डूबना, पानी के साथ खेल करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका नेचर होता है उद्बिलाव का, क्योंकि पानी वाटर फ्रेंडली होते हैं ऑटर, इसलिए पानी उसको बहुत प्रिय था। और उसमें बैठकर वो पानी के साथ कभी लेटकर, कभी उलटकर काफ़ी उसके साथ खेला। दो दिन के बाद, आफ्टर टू डेज, मिसबिल लेखक के बेडरूम से प्रवेश करते ही भाग गया। यानी जब लेखक प्रवेश किया तो उसको देखते ही मिसबिल भाग गया, और जब लेखक ने मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ की हल्की सी झलक नजर आई, उस ऑटर की पूंछ की हल्की सी झलक नजर आई। वह तुरंत बाथरूम की तरफ भगा, यानी लेखक को जब देखा मिसबिल तो तुरंत बाथरूम की तरफ, पानी की तरफ भगा। और जब तक लेखक वहां पहुंचा तब तक नलों पर अपने पंजों से खोलने की कोशिश कर रहा था मिसबिल, वो उद्बिलाव उस नल को
उस टोटी को जो क्रोमियम की थी उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। लेखक बहुत हैरानी से देख रहा था। एक मिनट से भी कम समय में वह नल को इतना खोलने में कामयाब हो गया कि उसमें से पानी टपकने लगा, और वह किस्मत वाला था कि उसने नल सही दिशा में खोला, और अधिक वो उसको कस भी देता था और खोल भी देता था। उसकी ये खासियत हो गई, वो नल को खोलना भी जान गया था और नल को बंद करना भी जान गया था। इसके बाद जब लेखक मिस या मिस बी जो पुकारता था, वॉटर उसके पास तुरंत चला आता था, और आने के बाद वो उस अपना पैर घुमाता था और जो रबड़ की बाल थी उसको ऐसे घुमाता था जैसे कि वो फुटबॉल का खिलाड़ी हो। इस तरह से लेखक और उस मिसबिल में एक तरह का संबंध स्थापित हो गया, और इस तरह से कहानी खत्म होती है। और इस तरह से मिसबिल लंदन की गलियों में, लंदन की सड़कों पे हर तरफ चलने का आदि हो गया, बिल्कुल जैसे इंसान सीखते हैं उस तरह से ऑटर भी सारी आदतों को सीख गया। तो इस प्रकार से मिसबिल लंदन की गलियों में, लंदन की सड़कों पर खेलना सीख गया, चलना सीख गया। बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, आप इसे पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। व्हाट्स मीनिंग बुक से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आंसर्स लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।